सबसे पहले पासपोर्ट साइज की फोटो बनाने के लिए हम एक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। तो करने के लिए सबसे पहले आप एक्शन को सामने रख लो, लो विंडोज पे का एक्शन आ गया। किस फोटो की पासपोर्ट साइज फोटो बनानी है उस फोटो को ओपन किया। इसके बाद क्रॉप टूल की मदद से आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार स्पेस सिलेक्ट कर सकते हैं। इंटर किया। अब जब आपकी फाइल क्रॉप हो जाए इसके बाद क्रिएट रिकॉर्डिंग करना है। यहां से आप मान लो 6 फोटो बनाना चाहते हैं तो हमने F6 सिलेक्ट कर लिया, रिकॉर्ड करेंगे, क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, फिर इसके बाद कंट्रोल A करेंगे तो यहां पर सिलेक्ट सेट सिलेक्शन हो गया। बॉर्डर के लिए मॉडिफाई बॉर्डर, यहां से हमने 15 पिक्सल ग्रेडियंट की मदद से यहां से कोई भी बॉर्डर का चयन कर लिया हमने, मान लो इसी को चूज कर लेते हैं और ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, बॉर्डर तैयार। अब कंट्रोल A करना है, कंट्रोल C करना है, कंट्रोल N करना है। 6 बनाने के लिए अभी हम 4-6 का पेज चयन करते हैं और बने बटन ओके और कंट्रोल भी करते हैं। अब इसके बाद एक बार वन टाइम हमें इन फोटो को व्यवस्थित जमाना है और ये हमने कंट्रोल अल्ट माउस से और ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये 2 से 1 से 2, 2 से 3 अब एक साथ सिलेक्शन करना है तो कंट्रोल दबाया, सॉरी शिफ्ट दबाया और इस पर क्लिक किया, दूसरी में, तीसरी में, और यहां पर हमने मर्ज कर दिया। कीबोर्ड से कंट्रोल ई करना है, क्या करना है, ई। अब कंट्रोल अल्ट दबाकर माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे तो जो हमारा पहले पिक्चर सिलेक्ट था 3 का ग्रुप उसकी एक और कॉपी हो जाएगी। अब यहां जाके हम एक्शन को स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने के बाद मान लो दूसरी पिक्चर की पासपोर्ट साइज फोटो बनानी है, मान लो इसकी पासपोर्ट साइज फोटो बनानी है तो आपको केवल उस पिक्चर को सिलेक्ट करनी है, इंटर की प्रेस करना है, इसके बाद F6 जो हमने फंक्शन की सिलेक्ट किया था उसे प्रेस करनी है। तो इस तरीके से बहुत कम समय में हम स्पीडली फोटो पासपोर्ट साइज फोटो तैयार कर सकते हैं। इस